सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाला नया अमल नई वीडियो भाइयों को मिलती रहे। आज के अमल में मैं वशीकरण का एक मंत्र आपको देने जा रहा हूँ, एक ऐसा तलिस्म देने जा रहा हूँ जिसके जरिए आप किसी भी लड़की को आप काबू में कर सकते हैं। नाजायज मोहब्बत का अमल है। जो लड़की आपसे हम बिस्तरी के लिए राजी नहीं होती, जिससे आप जिस्मानी ताल्लुक बनाना चाहते हैं, इस अमल के जरिए ये काम होगा। अगर कोई लड़की किसी लड़के को काबू करना चाहती है, वो उसकी बात नहीं मान रहा या उसके काबू में नहीं आ रहा, आप उसे गुलाम बनाना चाहती हैं, तो उसके लिए भी ये अमल हो जाएगा। इस अमल को किसी भी राह से शुरू कर सकते हैं, चंद शर्तें शरायत हैं, आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको समझ आ जाए। अब आपने क्या करना है, ये तवीज़ आपने बनाना है। अगर तो खुद बना सकते हैं तो आपने एक सफेद कागज लेना है, बिल्कुल सफेद कोरा कागज जिसके ऊपर कोई लाइन ना हो, जैसे ही आपके सामने दिखाया जा रहा है। ऐसे आपने कागज लेना है, उसके ऊपर ये सारा तलिस्म जैसे दिया जा रहा है ऐसे ही आपने बनाना है। अगर नहीं बना सकते तो आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। 3 दिन ये काम करना है। आपने पहले दिन एक तलिस्म प्रिंट करवाना है, या एक लिखना है या तलिस्म करवाना है, उसका प्रिंट आपने निकलवा लेना है। एक आपने निकलवा लिया जिसको आप काबू करना चाहते हैं, यहां पे आपने उसका नाम लिखना है और उसकी वालदा का नाम लिखना है। इधर उसका नाम और उसकी सामने वालदा का नाम, जिसको आप अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। आपने ये लिखकर अपनी जेब में डाल लेना है। पहली रात जो है, आप दिन के वक्त में ये नक्शे लिख सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन अमल जो है रात में, आपने बिल्कुल तन्हाई में बैठ के इस तवीज़ को, आपने इसको तवीज़ बनाना है और आपने संदल की धुनी जो है कमरे में जला देनी है, उधर बैठना है, उधर ही सोना है। 3 रात आपने तन्हाई में जिधर सोना है, संदल की धुनी ये बखोर आपने जला देना है। ये तवीज़ आपने लिखकर, इसको तवीज़ बनाकर आपने अपनी जेब में डाल देना है। ये पहले दिन का अमल है, पहले दिन में कोई खास मेहनत नहीं है। दूसरे दिन आपने ऐसे करना है, एक नया तवीज़, वो पहले वाला जेब में रहेगा, एक नया तवीज़ आपने बनाना है। बनाने के बाद आपने जिस जगह पे आपने सोते हैं, पहले दिन आप जिस जगह पे सोए हैं, जिधर आपने बुखार जलाया था, उधर दोबारा से नया बुखार जलाना है, नई धुनी जलानी है, और आपने अपने सारे कपड़े उतार देने हैं। बेशक आप लड़के हैं, लड़की के लिए कर रहे हैं, लड़की हैं और लड़के के लिए कर रहे हैं, नंगे होना इस अमल में शर्त है, क्योंकि यह सिफली अमल है। तो आपने बिल्कुल अपने कपड़े जो है वो उतार देने हैं। उसके बाद ये जो तवीज़ है, इसके बाद आपने इस इधर फिर उसका नाम लिखना है, आपने जिसको ताबे करना है उसका और उसकी वालदा का। अगर वालदा का नाम पता ना हो तो आप बिनते हवा भी लिख सकते हैं और उसका तसव्वुर कर सकते हैं कि मैं फलां बंदे के लिए कर रहा हूँ। ये आपने दूसरे दिन जब बना लिया, बनाने के बाद आपने ऐसे करना है, कोई बर्तन ले लें, किसी भी धात का लाजमी नहीं है, मट्टी का लें या आप किसी दूसरी धात का ले लें, उसमें आपने इसको जला देना है। जला के इसकी राख को संभाल के रखना है, जाया नहीं करना। तवीज़ बनाने के बाद, नाम लिखने के बाद आप जला दें। ये आपका दूसरी रात का अमल हो गया। उसके बाद आपने कपड़े पहनने हैं और सो जाना है, किसी से बात नहीं करनी अमल करने के बाद। पहले कर सकते हैं, अमल के दौरान या अमल के बाद बात नहीं करनी। और उसके बाद तीसरे दिन आ गया जी। तीसरे दिन के आपने ऐसे अमल करना है कि दोबारा से नया नक्शे बनाना है, यही तलिस्म बनाना है, ये प्रिंट करवा लें। उसके बाद आपने दोबारा इधर नाम लिखना है, संदल की धुनी चल रही हो आपके पास। नाम लिखने के बाद आपने कपड़े उतारे हुए हों, कपड़े नहीं पहनने, फिर आपने इसको जलाना है। 2 तवीज़ आपने जला लिए, एक आपके पास पहले से मौजूद है जो कि आपने अपने पास रखा हुआ है। आपने ऐसे करना है, इसकी और जो पिछला तवीज़ आपने जलाया है, उन दोनों की राख जो है, जैसे ये एक कागज है, ठीक है, इसमें आपने उन दोनों की राख रख देनी है। राख रखने के बाद अब इसको एक तवीज़ बना लेना है कि वो राख गिरे ना बाहर। ये आपने तवीज़ बना लिया। तवीज़ बनाने के बाद आपने इसके ऊपर अपनी 7 जूतियां मारनी है। 7 जूतियां आपने अपनी मारनी है इस तवीज़ के ऊपर, और दोबारा से कपड़े पहन के सो जाना है। और सुबह को उठ के जैसे आप देखें कि कहीं पे पानी चलता हुआ आपको नजर आए, चलते हुए पानी में आपने उस तवीज़ को उस राख समेत बहा देना है। हो सकता है दूसरे दिन ही आपका अमल जो है काम कर जाए, या तीसरे दिन कर जाए, महबूब आपके ताबे हो जाएगा। जो आप कहेंगे वो करेगा, जैसा आप चाहेंगे वो करेगा, जब तक चाहेंगे करेगा। ऐसा ये लाजवाब अमल है। इसकी तफसील लेने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इसकी इजाजत लें, फिर ये अमल कामयाब होगा, या इसकी साफ तस्वीर मुझसे ले सकते हैं। या अगर आपको इस अमल की समझ ना आई, या अपना कोई भी जायज नाजायज काम करवाना चाहते हैं जो किसी से ना हुआ हो, आप मुझसे गारंटी के साथ करवाएं, आपका काम कर दिया जाएगा। या किसी भी जिन परी हमजाद का ट्रांसफर लेने के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर दिया जाए।